बबुआ हम जानते कि तुमको अपने बाबूजी की बात अच्छी नहीं लगी। हम तुम्हारे मन को तकलीफ समझते बबुआ। महातारी है ना, लेकिन क्या करें, अपनी मर्द की भी तो सुननी पड़ती है। एलिए बहुत आशा लेकर आया है तुम्हारे पास। बाबूजी के दिमाग को तो जानबे करते हो ना बबुआ। उनकी वाली ना हो तो उस सर्वनाश से भी नहीं डरते, कुछ भी करने पर उतारू हो जाते। एली कह रही हो बबुआ उनकी बात मान लो, वही में हम सबकी और इस हवेली की भलाई है। सर्वनाश कर देंगे, उनके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं। अगर उनकी वाली ना हो तो कुछ भी कर सकते, इसलिए हवेली हमको आज तक कभी घर नहीं लगी बल्कि जेल लग। अब बाबूजी उसके जेलर, उठ जाओ तो उठ गए, बैठ जाओ तो बैठ गए। कैसा समय आ गया है, जो चीज हमारे लिए दुनिया में सबसे कीमती थी उसकी आज ये हालत हो गई। ये देखिए, ये दुनिया को राह और रोशनी दिखाने वाली चीज है, लेकिन लेकिन आज इस हवेली के अंधेरे में हमारे हाथ से फट फट कर बिखर रही है, सिर्फ बाबूजी की हिटलरगिरी की वजह से। हम आज तक इस कैद खाने में सिर्फ आपकी वजह से रुके थे। आप भी बाबूजी की भाषा बोलने लगी तो फिर अब यहां रहने का क्या फायदा? कहां जाओगे बबुआ? कहीं भी भाग जाऊंगा जहां अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी तो जी सकें। अपनी इच्छा की जिंदगी जीनी थी तो पहले काहे नहीं भागे? तुम्हारी शादी ब्याह सब कुछ तो उन्हीं की इच्छा से, तब काहे नहीं भागे? हाँ भागना चाहते हो, भागना चाहते हो, जबकि हवेली की और हवेली की और तुम्हारे बाबूजी की इज्जत की बात आई, की बात आई। शेखर, महातारी होकर ये बात कहते हुए कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन ये खानदान का चिराग अगर तुमसे ही होना तय हुआ तो तुम्हें आगे बढ़कर अपने बाबूजी की इच्छा पूरी करनी होगी। हमने उस लड़की को देखा है बबुआ, वो अच्छी है। माँ? हाँ बबुआ, तुम्हें तुम्हारे बाबूजी जितना भी खराब क्यों ना लगे, लेकिन आज तक वो तुमसे कुछ नहीं मांगे हैं। आज वो तुमसे एक बेटा मांग रहे हैं, तो तुम्हें बेटा होने का धर्म निभाना चाहिए ना। समझ लेना कि ये त्याग पितरों का ऋण उतारने के लिए कर रहे हो। बेटा का धर्म, पितरों का ऋण, पिता की इच्छा, ये बात तुम हमको अपनी बात मनवाने के लिए कह रही हो ना, ताकि कौनों तरह बाबूजी की बात रह जाए, बदले में चाहे हमरा जो। बबुआ
इंसान को कई बार अपने मर्जी के खिलाफ जाकर अपने घर परिवार के हिसाब से चलना पड़ता है। अरे नहीं चलना हमको ऐसे घर परिवार के हिसाब से, हमको अपनी इच्छा के हिसाब से चलना है। आप क्या चाहती हैं, हम अपनी जिंदगी अपनी इच्छा से जिए या उनके दिए हुए बोझ के नीचे दब कर जिए? हम तो बस ये चाहते हैं कि वो मासूम लड़की बेवजह मारी ना जाए। उनका क्या कसूर है बबुआ? सूर जैसा आधा गोला। फिर एगो खाड़ा डंडा। फिर एगो टेढ़ा सूर। फिर एगो कोनो पता ही नहीं, ना कोशिश करते मिलने का, लेकिन सब बेकार। रात मिलबो किए तब बिना बात किए चले गए। नसीबे खराब है हमरा, चाहे हमरे भीतर कोई खराबी होगा। तू तैयार है ना बेटा? मुहूर्त के इंतजार के वही कर रहे और क्या करेंगे? कि अब पानी कपार के ऊपर से बह रहा है, अब और बर्दाश्त नहीं होता हमसे। आज रात को अगर वो हमारे पास नहीं आना, हम हवेली छोड़ के भाग के अपने माए बाबू के पास चले जाएंगे। ये सब हम तुमसे इसलिए बोल रहे हैं कि जाकर तनी उनसे बता दो, और बात को इसे मजाक नहीं बुझना चाहिए। लेकिन एक
शर्त है। कैसा शर्त? सिद्धेश्वरी, वो मान जाएगी तो हम भी बाबूजी की बात मान जाएंगे। सिद्धेश्वरी से हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, या तो आप बात करेंगे या तो बाबूजी करेंगे।